जय श्री राम, जय माता की। मैं हरिमोहन सोलंकी, अंतिम यात्रा सेवा समाज का सेवादारी। जैसे कि आपको सबको ही पता है, सभी जानते हैं कि इस वक्त हमारा मुल्क पाकिस्तान एक बहुत बड़ी तबाही से गुजर रहा है, कि जिसे हम सैलाब की सूरत में हम कह सकते हैं। पिछले दो महीने से जो बारिशों का था, उसका नतीजा ये निकला है कि आज हमारा सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, तकरीबन हमारे पाकिस्तान का 80-90% हिस्सा है ना, डूब चुका है या वो सैलाब की तबाहकारियों से मुतासर हो चुका है। अंतिम यात्रा सेवा समाज जैसे कि सनातन धर्म में तो काम कर ही रही थी, और आज इसने एक नया बेड़ा उठाया है कि हमारे जो फ्लड से मुतासर हमारे पाकिस्तानी भाई बहन हैं, हम उसके लिए कुछ करें। दो साल से हम काम कर रहे हैं, लेकिन अंतिम यात्रा ने कभी भी किसी से एक चवन्नी की भी डोनेशन नहीं मांगी या किसी से भी ये हेल्प नहीं मांगी। इसमें भी अंतिम यात्रा ने अपने तरफ से 2.5 लाख रुपए का बजट लगा चुकी है, वो ठीक है। और मज़ीद आप आज फर्स्ट टाइम हम आप लोगों के पास आ रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। देखें, मेमन कमेटी है, बोरी कमेटी है, सारी कम्यूनिटियाँ काम कर रही है, तो क्या हमारी कम्यूनिटी को जंग लग चुका है? नहीं, हमारी कम्युनिटी में ऐसे सेवाधारी है, ऐसे लोग हैं जो अगर चाहे तो हम इस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं, और हम बढ़ चढ़ कर लोगों की खिदमत और मेहनत हम उनके लिए काम आ सकते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। अंतिम यात्रा ने दो साल में कभी भी ये नहीं देखा कि कौन किस कास्ट से, किस फिरके से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन उसने सनातन के लिए, सब लोगों के लिए किया। अंतिम, मैं अभी भी इस चीज़ को बावर करवा दूँ कि ये जो हमारी रिक्वेस्ट है, इससे अंतिम यात्रा नहीं, ये सिर्फ वो फ्लड से मुतासर उन लोगों के लिए ही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दान दें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कैश ना दें। आपके घर में 1 किलो आटा है, आप आटा दे दें। आप आधा किलो चीनी दे दें। आपके घर में पुराने कपड़े पड़े हैं वो दे दें। आप बिस्तरे दे दें ताकि उन लोगों तक जाए। आप मेडिसिन लेके दें हमें, ठीक है, तो उन लोगों तक वो मेडिसिन है, वो सारी चीज़ें पहुँचें। हम ने जो कैंप लगाया हुआ है वो क्लिफ्टन ब्रिज पे 16 नंबर हाल पे रखा हुआ है, जिसमें हमारे साथ एसटी और काठियावाड़ी पंचायत के लोग भी शामिल है, ठीक है। क्योंकि अंतिम यात्रा ने ये काम कोलेब्रेशन में मिलकर किया है, और कोलेब्रेशन के साथ ही ये मिलकर आगे इसको जारी और सारी रखेंगे। जो कैंप की टाइमिंग है वो दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक है। मैं वापस एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आएं, और जो हो सकता है भले छोटी सी छोटी सेवा क्यों ना हो, वो आप दें ताकि हमारे उन मुस्तहकिन भाइयों तक पहुंचे। जय श्री राम।